प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, एक सर्कुलर फंक्शंस कहलाते हैं और एक हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं। सर्कुलर फंक्शंस की क्या डेफिनेशन है और हाइपरबोलिक फंक्शंस की क्या डेफिनेशंस है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न हमारा सर्कुलर फंक्शंस में दिया होता है और हमें आंसर जो है वह हाइपरबोलिक फंक्शंस में लाना होता है, या प्रश्न जो है प्रॉब्लम जो है हमारी वह सर्कुलर फंक्शंस में दी गई है लेकिन यदि वह हमारी हाइपरबोलिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाए तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है। कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम हाइपरबोलिक फंक्शंस में दी गई है और उस समय यदि हम उसको सर्कुलर फंक्शंस में कन्वर्ट कर लें तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें आसान हो जाता है, या कभी कभी प्रॉब्लम हाइपरबोलिक फंक्शंस में दी होती है और हमारे लिए आंसर जो है वह सर्कुलर फंक्शंस में लाना होता है। इस काम के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हमें इस बात की जानकारी हो कि किसी भी सर्कुलर फंक्शंस को हाइपरबोलिक फंक्शंस में किस प्रकार से बदला जाता है, या कोई सर्कुलर फंक्शन जो है किस हाइपरबोलिक फंक्शंस के बराबर होता है और हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है किस सर्कुलर फंक्शंस के बराबर होता है। तो आज मैं आपको ये बारह सूत्र बतला रहा हूँ, चाहे आप इसे सूत्र समझ लीजिए चाहे परिवर्तन समझ लीजिए एक दूसरे से। तो पहले मैं बतला रहा हूँ कि आपको दिया है ये सर्कुलर फंक्शन से और इसका यदि हम हाइपरबोलिक फंक्शंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शंस में और यदि उसका हम सर्कुलर फंक्शंस बनाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए ये लिखा हुआ है आई, इसे हम कभी कभी बहुत से लोग आई बोल देते हैं और बहुत से लोग इसे आयोटा बोलते हैं। इस आई का या आयोटा का मतलब होता है वर्गमूल माइनस वन, माइनस एक का माइनस वन का जब अंडर रूट लेते हैं तो जो राशि प्राप्त होगी हमारे लिए उसको हम आयोटा से दर्शाते हैं, तो इसलिए इस संकेत का मतलब यह है अंडर रूट माइनस वन। क्लियर? तो देखिए ऐसा है कि सर्कुलर, अब ये सर्कुलर फंक्शन से यदि हाइपरबोलिक फंक्शन बनाए जाएंगे तो क्या बनेंगे ये आपको बतला रहे हैं। साइन आयोटा एक्स बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के, कॉस आयोटा एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के, टेन आयोटा एक्स बराबर होता है आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स के। ये आपको याद होना चाहिए, इसका सत्यापन जो है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। कॉट आयोटा एक्स बराबर होता है माइनस आयोटा कॉट हाइपरबोलिक एक्स के, और सेक आयोटा एक्स बराबर होता है सेक हाइपरबोलिक एक्स के। इसी प्रकार से कॉसिक आयोटा एक्स बराबर होता है माइनस आयोटा कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स के। ये जो आपके छह सूत्र हैं इनकी सहायता से आप किसी भी सर्कुलर फंक्शंस को हाइपरबोलिक फंक्शंस में बदल सकते हैं। अब यदि आपको हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है तो सर्कुलर फंक्शंस कैसे बनेगा, वह आप इसकी सहायता से भी कर सकते हैं और यदि उसकी आप डायरेक्ट सूत्र याद कर लें तो आपको सुगमता होगी। इसमें हम जो है हमारे लिए दिया हुआ है सर्कुलर फंक्शंस और उसका आंसर जो है वह हाइपरबोलिक फंक्शन दिया है, हमारे लिए दिया है हाइपरबोलिक फंक्शंस और उसका सर्कुलर फंक्शंस क्या आएगा ये बताया जा रहा है। तो देखिए अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखा हुआ है तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का आंसर आएगा कॉस आयोटा एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स का आंसर आएगा या टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स, और कॉट हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है आयोटा कॉट आयोटा कॉट आयोटा एक्स, और सेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है सेक्स सेक आयोटा एक्स, और कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है आयोटा कॉसिक आयोटा एक्स। इस प्रकार से आप जो हैं वह हाइपरबोलिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस में बदल सकते हैं और इनकी सहायता से आप किसी भी सर्कुलर फंक्शंस को हाइपरबोलिक फंक्शंस में बदल सकते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसका सत्यापन जो है मैं आपको बाद में कहीं बतलाऊंगा। आज आप इन चीज़ों को याद कीजिए, विचार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।